बहुत सारे कमेंट्स आए कि कैप का टाइप का कोर्स चाहिए और हम हाजिर हैं जी। कैप का टाइप का फ्री कोर्स है, काफी सारी नॉलेज मिलेगी आपको, एडिटिंग के बेसिक्स, डबल कलर वाला टेक्स्ट, ऑटोमेटिक कैप्शंस, वीडियो की बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, शेक वाली वीडियो को स्टेबलाइज करना, ऑडियो में से नॉइज रिमूव, इमोजी फेस, HDR इफेक्ट, वीडियो में स्किन को स्मूथ करना एंड और भी बहुत कुछ। भाई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जैसे आप जानते हैं कोर्स बनाने में बहुत सारी मेहनत और टाइम लग जाता है, तो प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। लेकिन ये कैप कट ऐप इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मैंने ये कोर्स कनाडा से रिकॉर्ड करा था, तो अब इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के आराम से बैठ जाओ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो एडिटिंग करने का सबसे पहला स्टेप होता है जी वीडियोस को इंपोर्ट करना, इंपोर्टिंग। तो यहाँ पर जी कैप कट को पहले ओपन करते हैं एंड सामने काफी बड़ा सा लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जिन भी वीडियोस को हम एडिट करना चाहते हैं जस्ट अपने गैलरी में से उनको सिलेक्ट कर लेना। तो ये देखिए जी हमारी वीडियोस यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन आप देखिए पहली वीडियो हमारी ऐसी हॉरिजॉन्टली आई है एंड दूसरी वीडियो वर्टिकल आई है। तो ये चीज को ठीक करने के लिए हम अगले लेसन की तरफ चलते हैं, रेशो। तो यहाँ पर हम ये चीज को एडजस्ट करेंगे कि हम अपनी वीडियो ऐसे बनाना चाहते हैं या ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली नीचे से हम क्लिक करेंगे रेशो पे एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारी वीडियो ऐसे वर्टिकली बने, आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट वीडियोस का वर्टिकल होती है, तो जस्ट 9:16 पे मैं क्लिक कर दूंगा, नीचे से डन। तो यहाँ पर ये ठीक हो गई है, ये भी वर्टिकली आ गई है और जो तीसरे वाली है इसके ऊपर नीचे आपको ब्लैक ब्लैक बार्स नजर आ रही होंगी, तो उसका सोल्यूशन क्या है, बहुत ही आसान है। जस्ट वीडियो के ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ से वीडियो को स्केल अप कर देंगे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल वीडियो को ऐसे वर्टिकली में करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी वीडियोज ये हल्की फुल्की सी, इनको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, साइडों से थोड़ा थोड़ा अगर ब्लैक आ रहा है। और एक और सॉल्यूशन भी, अगर आपको ऐसे जूम नहीं करना तो इसका एक और सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। क्लिप को बिना सेलेक्ट करे, क्लिप को सिलेक्ट नहीं करना, साइड पे कहीं भी टैप कर दो, ये क्लिप सिलेक्ट है, स्क्रीन पे मैं टैप कर दूंगा तो अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पर नीचे का ऑप्शन है रेशो के साथ में कैनवस, इसके अंदर बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली चूज कर ली तो पीछे वही वाली बैकग्राउंड आ जाएगी। और गैलरी में से चाहे आप अपनी बैकग्राउंड पे यहाँ पर क्लिक करके ले आओ, लेकिन मुझे इससे बड़ी ऑप्शन लगती है ये वाली ब्लर वाली, यानी यहाँ से चूज कर लेंगे तो ये वही वाली वीडियो को ब्लर करके पीछे की तरफ लगा देगा। ये देखो जैसा मर्जी, कम ब्लर, मीडियम ब्लर, ज्यादा ब्लर। अब इसी तरीके से जो हमारी थर्ड वाली क्लिप है इसके लेफ्ट और राइट में हल्का हल्का सा ब्लैक वाला बॉर्डर आ रहा है, हल्का हल्का सा, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज कर सकते हैं, ऐसे स्लाइड करके वो वाली क्लिप के ऊपर ले आएंगे। जैसे ये थर्ड वाली के ऊपर आ गए हम, नीचे से कैनवस, यहाँ से ब्लर, लो जी हो गया कवर। ट्रिम एंड स्प्लिट। तो जो हम वीडियो की एडिटिंग करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, उसका मकसद यही होता है कि फालतू चीजों को हटा देना, काम की चीजों को जोड़ देना। तो फालतू चीजों को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं स्प्लिट एंड ट्रिम की। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन चीज बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास ये वाली वीडियो है, मैं चाहता हूँ इसका शुरू वाला हिस्सा कुछ मुझे नहीं चाहिए भाई, तो सिंपल सी बात है, जस्ट वीडियो के ऊपर ऐसे टैप करेंगे तो साइडों में देखिए दो रेक्टेंगल्स बने आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो जहाँ से आप चाहते हो वीडियो शुरू हो, शुरू वाला हिस्सा नहीं चाहिए तो जस्ट उसको ऐसे आगे 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 लेते हैं, ट्रिम कर देना। और पीछे का कुछ हिस्सा नहीं चाहिए तो उसको पीछे से ऐसे आगे 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 कर दो, वो भी कट जाएगा। इसका एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है, अभी कोई भी क्लिप मेरी सिलेक्टेड नहीं है, जस्ट उस क्लिप के ऊपर ले आना है जिसको एडिट करना है। जैसे इसको एडिट करना, इसके ऊपर मैं ऐसे स्लाइडर को ले आया, नीचे से कैंची बनी हुई है एडिट, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है, सेम वही चीज आ जाएगी। या तो टैप करके सिलेक्ट कर लो या नीचे से एडिट पे क्लिक करके कर लो। तो ये तो तरीका हो गया साइडों से काटने का। अगर बीच में से कोई सीन नहीं चाहिए, उसका भी सिंपल सा सोल्यूशन होता है, जस्ट वही क्लिप को टैप करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ऑप्शन है जी स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब बीच में से काट देना। ये देखो बीच में कट लग गया, अब ये दो क्लिप्स अलग अलग बन गई। सपोज आपको गलती से कट लग गया, आप चाहते हो अनडू करना है इसको, तो ये वाला बटन है जी, इसके ऊपर क्लिक करके अंडू स्प्लिट, कोई भी चीज़ वापस चल जाएगी, अंडू हो जाएगा। तभी मैं चाहता हूँ बीच का कुछ हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, वीडियो को मैंने टैप करके सिलेक्ट कर दिया, नीचे से करा स्प्लिट एंड यहाँ से लेकर थोड़ा सा आगे जाऊँगा जहाँ तक नहीं चाहिए मुझे जैसे यहाँ तक नहीं चाहिए। ये मैं प्ले करके भी देख सकता हूँ, जैसे मैंने प्ले करा, मैंने वीडियो को प्ले कर दिया कि हाँ भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए भाई, ठीक है जी। तो फिर से इसको सेलेक्ट करके स्प्लिट कर दिया। अब जो बीच वाला हिस्सा है उसको सेलेक्ट करके नीचे से भाई कर देना है डिलीट,
हो गया जी, बीच वाला हिस्सा भी डिलीट हो गया। तो ये तरीका होता है शुरू में से और आखिर में से फालतू चीजें काटने का, और बीच में से अगर कोई पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, फालतू आ गया, उसको काटने का, ट्रिम एंड स्प्लिट। अब वीडियोस को हम ले आए हैं, फालतू पार्ट्स को काट वाट दिया है, अब बारी आती पीछे ऑडियो को लगाने की। तो वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा है ऐड ऑडियो, इसके ऊपर जस्ट टैप करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ गई हैं। पहली साउंड्स की, कि हाँ भाई कैप कट के अंदर से आपको कुछ साउंड्स को यूज करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है शायद कॉपीराइट का दिक्कत आ सकती है मुझे, क्योंकि काफी सारा म्यूजिक है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं कॉपीराइट का चक्कर ना पड़ जाए, जैसे उसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वीडियो में से भी आवाज आ रही है और गाने की आवाज भी आ रही है। मैं चाहता हूँ वीडियो में जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भाई अरे भाई आजा आजा, अरे भाई एक्शन 1 2 3 स्टार्ट, तो वीडियो में जो आवाजें होती है उनको हटाना है नीचे से वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम को कर दिया बंद, अभी सिर्फ गाने की आवाज आ रही है। तो ये ऑडियो को अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, अभी साउंड्स में फिर से चलते हैं। एंड अगर आपके पास अपना कोई म्यूजिक पड़ा हुआ है वो आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये फोल्डर बना हुआ है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, फ्रॉम डिवाइस, आपके फोन के अंदर जो भी म्यूजिक होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और सिंपली आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और आजकल साउंड इफेक्ट्स का काफी ज्यादा जमाना आ गया हुआ है, बहुत सारे क्रिएटर्स यूज करते हैं साउंड इफेक्ट्स को, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास है इफेक्ट्स के अंदर जाकर। तो जैसे ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास काफी अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट्स हैं, जैसे ये वूश साउंड इफेक्ट आ गया, स्विच साउंड इफेक्ट आ गया, एक बेल वाला साउंड इफेक्ट था टिंग टिंग, काफी बढ़िया बढ़िया साउंड इफेक्ट्स, आप यहाँ पर इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनिमल्स के मैकेनिकल मैजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो काफी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना, वो भी हम कर सकते हैं नीचे से रिकॉर्ड पे क्लिक करके। तो वीडियो को देख के मैं कुछ भी कहानी बोलूंगा वो साथ साथ पे रिकॉर्ड होते रहेगी, तो ट्राई करते हैं। तो यहां पर मैं गया जी घूमने, और सामने मेरे बहुत ही बढ़िया नजारा था, बादलों का, बड़े बड़े पहाड़ थे, समुंदर का नजारा, वो टहलती हुई हवाएं, टहलती हवाएं शायद यही कहते होंगे, वो चलती हुई बेहतरीन हवाएं, और मैं यहाँ का नज़ारा देखते हुए बिल्कुल मस्त हो गया। तो ये मैंने जस्ट ऐसे रिकॉर्डिंग करी, अभी प्ले करके देखते हैं भी हमारी आवाज़ कैसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गया जी घूमने, और सामने मेरे बहुत ही बढ़िया नज़ारा था, बादलों का, बड़े बड़े पहाड़ थे, समुंदर का नज़ारा, वो टहलती हुई हवाएं, टहलती हवाएं शायद यही कहते होंगे। तो ये आपको पता लगेगा वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं आप वीडियोस के अंदर, एंड इसके साथ में वॉइस के इफेक्ट्स है, अगर आप अपनी आवाज के ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहते हो। वैसे तो ये फनी से होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया जी घूमने, और सामने मेरे बहुत ही बढ़िया नजारा, तो यहाँ पर मैं गया जी घूमने, अब आप समझ गए हो कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे आवाज पे बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स लगाने हैं। तो वीडियोस में कई बार कुछ साइंस होते हैं, जैसे एरो अपने दिखाना है या नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाना है, तो वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्टिकर्स की, तो स्टिकर्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर काफी सारे आपको शुरू में मिल जाएंगे, वैसे तो ये सब्सक्राइब वाला, जैसे मर्जी जहां पर चाहो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और एक जरूरी चीज आपको यहाँ पर दिखाते हैं, तो अभी सिंपली सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एनिमेशन के साथ आए, थोड़ी सी एनिमेशन हो इसमें। सबसे पहले तो स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये रहा जी हमारा स्टिकर, इसके ऊपर जस्ट टैप करेंगे ऐसे, यहाँ पर ये चार अलग अलग ऑप्शंस आ गई। तो ये जो सेकंड वाली है ना, ये वाली, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अलग अलग एनिमेशंस के ऑप्शंस है, कैसे आप चाहते हैं एनिमेट होकर आए। मैं चाहता हूँ थोड़ा घूम घूम कर आए, तो यहाँ पर स्पिन इन वन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो स्प्रिंग वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे, जैसे स्प्रिंग हिलता है। ठीक है जी, डन कर देते हैं, तो अभी प्ले करके देखते हैं क्या बात है जी। तो ऐसे स्टिकर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टिकर्स हैं, जैसे कहीं पे क्लिक करता हो दिखाना, तो ये वाला हाथ वाला आप दिखा सकते हो, ये एरो है, किसी चीज के ऊपर आपको पॉइंट आउट करना है, जैसे ये वाली वीडियो है, मैं चाहता हूँ ऊपर कोने में एक सर्कल के अंदर मैं आ जाऊँ बोलता हुआ, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो स्लाइडर को वहीं पर ले आएंगे, नीचे मेरे पास ऑप्शन है जी ओवरले की, एड ओवरले। अब गैलरी में से वो वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भाई मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली एड, और फिर नीचे मेरे पास और सारी ऑप्शंस आ गई, तो यहाँ से मैं चूज करूंगा मास्क एंड इसके अंदर से सर्कल। अब इसको एडजस्ट कर देंगे कि यहाँ पे कहाँ पर चाहिए, ये यहाँ पर ठीक है। ये मास्क को हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे साइड से ऐसे बड़ा कर दिया, फिर ऊपर से ऐसे बड़ा कर दिया, लेकिन अब इसको पंगा नहीं लेना, अब इसको हिलाना नहीं है, अभी गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसको हिलाएंगे तो देखो ये कुछ ऐसे कहीं और मास्क चला जाएगा। तो पहले तो नीचे से हम कर देंगे डन। अब ये मास्क को उठाकर जहां पर भी हम रखना चाहते हैं वहां पर हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए सर्कल के अंदर मेरी वीडियो आ गई। तो
तो कई बार हमें वीडियो के नीचे टेक्स्ट लिखना होता है, वो भी अलग अलग कलर्स में, जैसे तीन वर्ड्स लिखे हैं, एक का कलर येलो आ जाए बाकी व्हाइट में रहे, तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो जस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे वी आर ट्रैवलिंग। अब मैं चाहता हूँ ट्रैवलिंग का कलर येलो हो जाए, बाकी ऐसे व्हाइट में रहे, तो ट्रैवलिंग को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और स्टाइल के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ से कलर हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे येलो कर दिया मैंने, डन। क्या बात है जी, और ये टेक्स्ट कितनी देर तक सीन में रहे वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ हो सकता है, अगर आप टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर आपको पता नहीं लग रहा भाई कैसे टेक्स्ट को एडजस्ट करें, भाई टेक्स्ट तो ऊपर कहीं चला गया, कहीं गायब भी हो गया, टेक्स्ट को कैसे बड़ा छोटा करें, तो भाई साहब नीचे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ से स्लाइड करेंगे तो ये टेक्स्ट दिख गया, ये गायब हो गया, ये ऐसे हल्का सा नीचे करेंगे तो टेक्स्ट आ गया। अब इसको तो ये शायद छोटी सी दिक्कत है इस ऐप में, कोई बात नहीं। ऑटो कैप्शन कितने क्रिएटिव लगते हैं ना, ऐसे सिंगल सिंगल वर्ड आता है कितना बढ़िया लग रहा है, और ये ऑटोमेटिक ही आ रहा सारा, तो ये चीज कैपकट के अंदर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अपनी वीडियो को हम कैपकट ऐप के अंदर ले आएंगे, नीचे टेक्स्ट पे क्लिक करके ऑटो कैप्शंस, एंड यहाँ पर ये कुछ प्रीसेट्स एनिमेशंस बनी बनाई आ गई हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन वाली हैं, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, नीचे से बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और ऑटोमेटिकली देखो इसने कैप्शंस लिख दिए। पर अगर आप देखेंगे तो भाई ये पूरी लाइन में आ रहे हैं, ऐसे बड़ी सी लाइन आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा ना, सिंगल सिंगल वर्ड आए तो बहुत ही आसान है भाई, नीचे बैच एडिट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से हर वर्ड के आगे कर्सर को लेकर जाना है, यानी हर वर्ड के आगे क्लिक करना है और बैकस्पेस एंटर, ध्यान से देख लो, से बैकस्पेस एंटर, इससे एक एक वर्ड एक एक लाइन में आ जाएगा। अब इसकी स्टाइलिंग की बारी, तो स्टाइल के अंदर चल जाएंगे, एंड यहाँ से बैकग्राउंड में जैसे येलो कलर देना वो दे दो, फॉन्ट के अंदर जाकर फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हो, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे ये ब्राइट फॉन्ट भी काफी अच्छा लग रहा है, तो इसको चूज कर लेंगे, साइज को अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। एंड हमने सिर्फ एक ही टेक्स्ट पे ये चीज चेंज करी है, और आप देखिए ऑटोमेटिक जितने भी कैप्शंस आ रहे थे सबके ऊपर ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया, तो आपको ये ऑटो कैप्शंस लिखने भी आ गए। तो फोटो की बैकग्राउंड चेंज करनी तो आपको आती होगी, लेकिन वीडियो की बैकग्राउंड कैसे चेंज करें? तो बहुत ही आसान सा काम है, यहाँ पर सबसे पहले जो नई वाली बैकग्राउंड है उसको लेकर आना है, तो न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से कोई भी नई सी बैकग्राउंड को हम ले आते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देते हैं, एंड ये लास्ट में जो कैपकट का लोगो आ रहा है उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर अपनी वीडियो को लेकर आना है, जिसकी बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो उसके लिए ओवरले पे क्लिक करेंगे, एड ओवरले, एंड यहाँ से अपनी वीडियो को ले आते हैं। तो अब क्या करना है, नीचे हमारे पास ऑप्शन है जी कटआउट की, रिमूव बैकग्राउंड, अभी जादू हो जाएगा देखना। क्या बात है भाई साहब, बैकग्राउंड रिमूव कर दी इसने, प्ले करते हैं। तो भाई साहब एक दो क्लिक्स में बैकग्राउंड रिमूव हो गई, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी। तो कई बार हमारी वीडियो स्टेबल नहीं होती भाई, शेक सा आ रहा होता है, तो कोई बात नहीं जी, वीडियो को स्टेबलाइज कर देते हैं। यहाँ पर वीडियो के ऊपर टैप करा, एंड नीचे काफी सारे टूल्स हैं जिनमें ऑप्शन है जी एक स्टेबलाइज की, स्टेबलाइज पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ से मैं उसको बढ़ा देता हूँ, वैसे ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए, कई बार क्रॉपिंग हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, चलो मोस्ट स्टेबल कर देते हैं, लो जी प्ले करते हैं। क्या बात है भाई साहब, कमाल कर दिया, बिफोर आफ्टर देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, पहले में शेक आ रहा है, एंड जब स्टेबलाइज करा तो कितनी बढ़िया वीडियो होगी हमारी। नॉइज रिमूवल, कई बार हम बात कर रहे होते हैं और पीछे से काफी सारे अलग अलग चीजों की नॉइज आ रही होती है, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ एंड पीछे आप सुन सकते हैं काफी नॉइज आ रही होगी आपको, अभी इसमें नॉइज आ रही है मेरी ऑडियो में, इसको रिमूव करते हैं, वीडियो के ऊपर करा टैप, यहाँ से रिड्यूस नॉइस, इसको ऑन कर देना। ओ भाई साहब कमाल कर दिया यार, आप सुनो बिफोर आफ्टर सुनो, ये पहले, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, और ये अब, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले, और अभी इसको नॉइज को रिमूव करके देखते हैं, और ये अब, और अभी इसको नॉइज को रिमूव करके देखते हैं, कितनी बढ़िया नॉइज रिमूव होगी। कैप का टैप अपने इफेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और ये इफेक्ट्स को अपने वीडियोस पे कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से लगा सकते हैं, ये चीज हम अभी देखने लगे हैं। तो नीचे जहाँ पर टूल्स होते हैं वहीं पर ही हमें मिल जाएंगे इफेक्ट्स, उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर तीन अलग अलग कैटेगरीज है, वीडियो इफेक्ट्स, बॉडी इफेक्ट्स और फोटो इफेक्ट। तो सबसे पहले वीडियो इफेक्ट्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, ट्रेंडिंग की, ओपन एंड क्लोजिंग, लेंस, इतने सारे इफेक्ट्स है, मतलब गिनती करने की बहुत मुश्किल है, तो कुछ प्रो है कुछ फ्री है, लेकिन फ्री वाले भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, और इनको लगाना भी बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसके ऊपर टैप करना है वो इफेक्ट लग जाता है,
और कुछ इफेक्ट्स अगर हम लगाते हैं तो ऊपर एडजस्ट का बटन आ जाता है और फिर से उसके ऊपर टैप करेंगे तो उसकी सेटिंग्स भी खुल जाती है। जैसे ये लाइटनिंग वाले के अंदर अलग अलग सेटिंग्स भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और जब इफेक्ट पसंद आ जाए ऊपर से डन पे क्लिक कर देना है। और ये इफेक्ट वीडियो में कितनी देर तक चाहिए उसको भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी एक इफेक्ट तो लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं लगा सकते, और भी लगा सकते हैं। नीचे से फिर से वीडियो इफेक्ट्स के अंदर चल जाएंगे एंड यहाँ पर कोई और इफेक्ट लगा सकते हैं। अब बॉडी इफेक्ट्स देखते हैं तो उसके लिए इफेक्ट्स बॉडी इफेक्ट्स के अंदर चलते हैं एंड ये इफेक्ट्स लगाने के लिए एक बंदा फ्रेम होना चाहिए, मतलब बंदा या लड़की, एक ह्यूमन बीइंग इंसान होना चाहिए वीडियो में। तो इसके अंदर भी काफी बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स है। अगर आप किसी गाने की वीडियो बना रहे हो उसके अंदर ये इफेक्ट्स चल सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम की रील बना रहे हो उसके अंदर भी चल सकते हैं। वैसे आपने देखे जरूर होंगे ऐसे कौन कौन से इफेक्ट्स। और जैसे अपने चेहरा नहीं दिखाना चाहते, चेहरे के ऊपर आप इमोजी लगाना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर से स्क्रॉल करके इमेज के अंदर चल जाएंगे एंड यहाँ पर अलग अलग तरह की इमोजीज आ जाएंगी। जो भी आपको पसंद आ रही, जो भी बढ़िया लग रही है उसको लगा लो चेहरे के ऊपर और आपका चेहरा नहीं आएगा उसकी जगह इमोजी आ जाएगी। एडजस्ट पे क्लिक करके उसके साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं और सेम जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे वो फेस के ऊपर इमोजी भी चलती है, मतलब ट्रैकिंग कर दी इसने ऑटोमेटिकली। ट्रेंडिंग इफेक्ट्स, भाई कैप कट ऐप के कुछ इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, आपने जरूर वैसे रील्स देखी होगी। तो इफेक्ट्स के अंदर चलते हैं, वीडियो इफेक्ट्स और ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ये हेलो ब्लर, ये आपने जरूर देखा होगा इफेक्ट, अभी ज्यादा टाइम ट्रेंडिंग में रहा था जी। इसको डिलीट करके और दिखाता हूँ। लेंस के अंदर स्मार्ट शार्पन इफेक्ट, जिसको HDR इफेक्ट भी कहते हैं, ये भी आपने जरूर देखा होगा, ये आजकल भी देखता है काफी चलता है। फिर एक वो इफेक्ट चला था जो आंखों में से लाइटें वाला, तो वो बॉडी इफेक्ट्स के अंदर होता है। बॉडी इफेक्ट्स के अंदर जाकर सुपर पावर्स और उसके अंदर ये लाइटनिंग आईज, ये भाई साहब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था ये इफेक्ट। तो आसमान में बिजली चमक रही है एंड और भी ऐसे नेचर वाले जो इफेक्ट्स होते हैं भाई, इसमें एक ही क्लिक में आ जाएंगे, बहुत ही आसान सा काम है। तो सिंपली इफेक्ट्स के अंदर जाना है, यहाँ से वीडियो इफेक्ट्स और ऊपर से यहाँ पर स्लाइड करके ना हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी नेचर की। भाई ये देखो लाइटनिंग क्रैक, जस्ट एक ही क्लिक करना है, इफेक्ट आ गया। ये बारिश वाला इफेक्ट आ गया, ये भी बिजली चमकने वाला इफेक्ट, ये सनलाइट वाला इफेक्ट आ गया, ये धुंध वाला इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स और बहुत ही आसान है यूज करने। और अगर पार्टी वाले इफेक्ट्स चाहिए, सेलिब्रेशन वाले, तो यहाँ पर भाई सेलिब्रेट की अलग कैटेगरी बनी हुई है। सेलिब्रेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखो भाई साहब कितने सारे हैं यार। ये सबसे बढ़िया लगा मुझे कन्फेटी टू वाला इफेक्ट। थ्री लेयर वीडियो आपने जरूर देखी होगी, तीन लेयर्स बनी होती है, तो वो भी इसमें बहुत ही आसान है। जैसे मेरे पास ये एक वीडियो है, वर्टिकल वीडियो, मेरे पास वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ ऊपर से स्प्लिट वाली कैटेगरी होती है, स्प्लिट। और भाई साहब देखो इसके अंदर बने बनाए हैं, जैसे ये थ्री स्क्रीन्स वाला इफेक्ट है, ये मिरर थ्री लेयर्स वाला इफेक्ट आ गया। और एडजस्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम पोजीशन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऊपर करना है कि नीचे करना है। कितनी बढ़िया चीज़ बन जाती है कितनी आसानी से। तो आपने ऐसी वीडियोस भी जरूर देखी हुई जिसमें फेस एक जगह पर ऐसे नॉक्स हो जाता है और बाकी वीडियो साइडों से हिलती रहती है, तो ये भी बहुत ही आसान है कैपकट के अंदर। जस्ट अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना है और नीचे हमें मिल जाएगी कैमरा ट्रैकिंग और स्टार्ट में क्लिक कर देना है। ये एक दिक्कत है, ये प्रो इफेक्ट है, खरीदना पड़ेगा कैपकट, लेकिन कोई बात नहीं, हम इफेक्ट देख लेते हैं कैसा आता है। कल को आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, फिर तो आप खरीदोगे। तो नीचे से फिट कैनवस और कीप फेस साइज, इन दोनों को ऑन कर दिया, अभी प्ले करते हैं वीडियो। वो भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया लगता है यार ये इफेक्ट तो। भाई कैप कट के अंदर 3D इफेक्ट्स भी काफी फेमस हुए थे, तो वो चीज़ स्टाइल के अंदर होती है एंड यहाँ पर ये इफेक्ट काफी पॉपुलर होता है, वो पार्टिकल पार्टिकल से आते हुए बंदा बन जाता है। तो यहीं पर ही है तीन इफेक्ट्स, ये कॉस्मिक इफेक्ट और दूसरे पार्टिकल्स वाले इफेक्ट, ये तीनों यहीं पर ही मिल जाएगी, वो पार्टिकल वाले इफेक्ट। और इसके अलावा जो 3D फोटो जैसे हिंदी की आती है ना, फोटो स्लिंग की इफेक्ट है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एक कैमरा बाउंस इफेक्ट, ये भी काफी पॉपुलर हुआ था इंस्टाग्राम पे। ओ भाई कैमरा शेक इफेक्ट, अरे ये कितना सही लगता है, फोटो ऐसे जंप से करके आती हूँ, मतलब बहुत कुछ है यार कैपकट के अंदर। मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी और जो चीज़ें नहीं बताई वो खुद एक्सप्लोर कर लेना, अब तो आपको आइडिया होगा अभी कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जो 3D जो इफेक्ट लगा दिया, ये चीज़ें अगर आफ्टर इफेक्ट्स में खुद बनाने जाओ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ पर ये खुद ही बना के दे रहे हैं बनी बनाई चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बिग हेड इफेक्ट भी है, बड़ा असर कर देता है, ये काफ़ी फनी लगता है। अभी ग्रीन स्क्रीन वाली जो वीडियोस होती है उन्हें ग्रीन स्क्रीन हटा के नई बैकग्राउंड कैसे लगाए, सुनो सबसे पहले जो नई बैकग्राउंड है उसको कैपकट के अंदर ले आना है, इसकी ड्यूरेशन तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी ओवरले, ऐड ओवरले और ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को ले आना है, जैसे प्यारे से क्यूट से बिल्ली को ले आया हो और वह बिल्ली को सेलेक्ट रखना है, नीचे से कटआउट
और क्रोमा की सिलेक्ट कर लेना है। अभी जो आप पर ग्रीन है ना, वहां पर उठा के पॉइंटर को रख देना है। इसने रंग सिलेक्ट कर दिया, अभी नीचे से वैल्यू को बढ़ा देना है और डन कर देना है। अभी बिल्ली की पोजीशन को भी एडजस्ट कर देते ताकि लगे बिल्ली सोफे के ऊपर बैठी हुई है। और अगर लगे कि बिल्ली के ऊपर अभी भी हरा हर रंग का कुछ रह रहा है, कुछ आ रहा है, तो सिंपली भाई नीचे से एडजस्ट के अंदर चला जाना है। यहाँ से HSL और ग्रीन कलर सेलेक्ट करके ना उसकी सैचुरेशन कम कर देनी है। क्या बात है जी, बिल्ली बैठ गई सोफे पे, तो बिल्ली को भी सोफे पे आराम करने दो। हम अगले लेसन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ये वीडियो देखी, ये मैंने लॉग पे शूट करी थी, यानी कि कलर्स वगैरह काफी डिसैचुरेटेड हैं, कम कलर्स आ रहे हैं, फीकी सी वीडियो लग रही होगी। तो इसको बढ़िया बनाते हैं, यानी कि इसमें कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो सिंपली नीचे से एडजस्ट के अंदर जाना है। एंड यहाँ पर जैसे वीडियो फीकी है तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, कलर्स कम है तो सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, और ग्राफ्स के अंदर जाकर यहाँ से भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे। पहले व्हाइट वाले के अंदर, ये देखो व्हाइट वाले के अंदर ही मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा हूँ मैं वीडियो में, ताकि वीडियो फीकी फीकी नहीं लगे। फिर ब्लू वाले के अंदर जाकर यहाँ से थोड़ी सी ना येलो सी टोन में डाल रहा हूँ वीडियो में, और टेम्प यानी कि टेम्परेचर के अंदर जाकर थोड़ा सा माइनस भी ले गया, जाकर थोड़ी सी ब्लू टोन भी आ जाए हल्की सी। सैचुरेशन को थोड़ा सा और एडजस्ट करा, और फिर से ग्राफ्स के अंदर जाकर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी। मतलब ये ट्वीकिंग करनी पड़ती है हमें, कि कभी कुछ ज़्यादा लग रहा है उसको कम कर लो, कभी कुछ कम लग रहा है उसको बढ़ा लो। तो ये वीडियो से वीडियो में अलग अलग रहेगा, आपकी वीडियो में अलग रहेगा, मेरी वीडियो में अलग रहेगा। अभी चेक करिए भाई बिफोर आफ्टर, होगी कलर ग्रेडिंग, कितनी आसान थी इसमें। स्किन रीटचिंग, तो जैसे ये वीडियो है इसके अंदर जो मॉडल है उनके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह हैं, तो कैपकट के अंदर हम पिंपल्स भी रिमूव करेंगे, स्किन को भी स्मूथ कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जो होम स्क्रीन होती है, जो पहले वाला पेज होता है कैपकट का, उसके अंदर ही हमें ऑप्शन मिल जाएगी रीटच की, और इसके अंदर से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, और ये अपने आप ही नीचे से फेस वाली ऑप्शन खुल जाएंगी। स्मूथ के अंदर जाएंगे, इसको मैंने बढ़ा दिया, ये देखो, ओ भाई साहब बिफोर आफ्टर देखो यार, ओए 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 क्या बात है। स्किन की टोन्स भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसी स्किन टोन चाहिए हमें, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ प्रो वाली हैं, तो फ्री वाली जरूर यूज करें। चेहरे को ब्राइटन भी कर सकते हैं, फेस की शेप भी चेंज कर सकते हैं, फेस पतला चाहिए, फेस मोटा चाहिए, फेस लंबा चाहिए, फेस छोटा चाहिए, बहुत कुछ है यार इसके अंदर। दो मतलब फेस स्मूथ करना भी कितना आसान है कैपकट के अंदर। और कैपकट के अंदर भाई टेम्पलेट्स भी होते हैं, यानी कि हमें सिर्फ अपनी फोटो या वीडियो को सिलेक्ट करना है और अपने आप ही वीडियो बना देगा बहुत ही तगड़ी वाली। तो यहाँ पर टेम्पलेट की ऑप्शन होती है शुरू में, चाहे तो यहाँ से खुद से चूज कर लो नीचे स्क्रॉल कर करके, या आपको अगर किसी टेम्पलेट का नाम पता है तो ऊपर से हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च करा मनी ट्री, तो ये टेम्पलेट आ गया। अभी सिंपली नीचे से यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और गैलरी में से अपनी फोटो या वीडियो को चूज कर लेना है। प्रीव्यू, लो जी इतना सही काम था, इसने टेम्पलेट के अंदर मेरी फोटो से लगा दी। ओ भाई साहब, अब आप कहेंगे यार हमने वीडियोस तो बना ली, एडिटिंग कर ली हमने, लेकिन वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करें, सेव कैसे करें अपने फोन के अंदर? तो बहुत ही आसान है यार वो। तो ऊपर देखिए बिल्कुल राइट कॉर्नर में ना एरो बना हुआ है, एरो के नीचे ऐसे सीधी सी डंडी भी, ऊपर एरो नीचे डंडी लगी हुई है, यानी कि एक्सपोर्ट का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि खुद से आप सेटिंग्स भी कुछ चेंज करना चाहते हो एक्सपोर्ट की, तो उसके साथ भी ऑप्शन है 1080p लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वैसे तो 1080p रखो 30fps पे, और कोड रेट रिकमेंडेड वाला ही, मतलब मैं सिंपल सी सेटिंग रख रहा हूँ, कोई ज्यादा पंगे नहीं लिए मैंने, और वो एरो और डंडी पे क्लिक कर दिया यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है और हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये था जी हमारा कैपकट का वीडियो एडिटिंग कोर्स। अब प्लीज जरूर याद से वीडियो पे एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। एंड ऐसी और अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।